सो वेलकम टू विजन एक्स अपडेट्स। फर्स्ट न्यूज़ आ रही है 4G को लेकर के। सो 4G यार अब आईफोन में भी आ चुकी है, यानी iOS में भी आ चुकी है। सो जिनको भी 4G खेलनी है वो यार iOS में डाउनलोड अप कर सकते हैं। सो सेकंड न्यूज़ आ रही है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में पबजी मोबाइल का 14.5 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट पाया गया है। सो देखो आप अगर MCA की वेबसाइट में जाते हो, यानी गवर्नमेंट की वेबसाइट में जाते हो और वहाँ पे आप पबजी इंडिया की कंपनी सर्च करते हो, सो वहाँ पे आपको साफ साफ दिखता है कि ऑथराइज कैपिटल यानी जो इन्वेस्टमेंट है वो 14.70 करोड़ हो चुकी है। बट पहले अगर आप जाते थे एक दो महीने पहले ये देखने, तो वहाँ पे सिर्फ 15 लाख इन्वेस्टमेंट दिखाता था। सो आप देख ही सकते हो कि 14 करोड़ रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट और करी गई है क्राफ्टन के द्वारा। सो देखते यार इतने करोड़ इन्वेस्ट करे जा रहे हैं, क्या पबजी मोबाइल इंडिया मार्च में वापस आती है या नहीं आती, क्योंकि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि भाई दिवाली में आनी थी, पिछली बार आ नहीं पाई गवर्नमेंट के चक्कर में, अब होली में आएगी पक्का, ऐसे कर रहे हैं लोग। देख लेते भाई सिर्फ 2-3 दिन बचे, होली में भी आती है या नहीं आती है। सो अब बात कर लेते हैं रॉकेट लीग को लेकर के। सो आपको तो पता ही होगा कि रॉकेट लीग कितनी फेमस गेम है पीसी में, एंड जिन भाई लोगों के पास पीसी नहीं है भाई चिंता मत करो, रॉकेट लीग अब मोबाइल में भी आ रही है 2021 में। बट देखो सीन ये होगा कि वो 3D नहीं होगी जैसे रॉकेट लीग होती है, वो 2D में ही होगा। मतलब आपको ऊपर से गाड़ियाँ दिखा दी जाएगी और वहाँ से आपको मोबाइल में अपने खेलना होगा, ऐसे ही होने वाला है। एंड ये गेम 2021 में आने वाली है। सो अब बात कर लेते हैं डेल्टा 28 के बारे में। सो आपको तो पता ही होगा ये पबजी मोबाइल इंडिया के इंटरनल न्यूज़ देते हैं। सो भाई ये मैं आपको पहली बोल रहा हूँ कि आपका भरोसा है कि आप इनको फेक मानो या रियल मानो, मैं तो सिर्फ न्यूज़ दे रहा हूँ। बट इन्होंने आज एक कम्युनिटी पोस्ट डाला जिसमें एक फ़ोटो डाली इन्होंने, जिसमें कि पबजी मोबाइल इंडिया की आउटफिट दिखाई है डेल्टा 28 भाई ने। अब मेरे को पता नहीं ये रियल है या फेक है, आप भी डिसाइड करो ये रियल है या फेक है। बट देखो यार बहुत सारे लोग डेल्टा 28 को ट्रस्ट ही नहीं करते, मतलब वो बोलते हैं फेक है वगैरह। सो इसलिए मैं अपनी ऑडियंस को नहीं बोल सकता कि भाई ये 100% रियल है। मैं भी आपको बोलूँगा कि भाई ये फेक भी हो सकता है, ये रियल भी हो सकता है। सो यार आपके ऊपर है कि आप क्या मानो। सो अब बात कर लेते हैं पबजी मोबाइल के बारे में। सो एक अभी रिपोर्ट आई है जिसमें ये बताया गया है कि पबजी मोबाइल ने $5 बिलियन सिर्फ अपने इन गेम जो होता है उनका परचेज उससे ही कमा लिया है $5 बिलियन सिर्फ इन गेम परचेजेस से। सो देख लो, मतलब यार लोग बोलते हैं कि इन गेम परचेजेस कोई करता नहीं है, बट पबजी ने यहाँ पे $5 बिलियन कमा लिया है। आई होप यू लाइक दिस शॉर्ट न्यूज़ एंड अपडेट्स। सो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एक लाइक कर देना। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक ले पीस आउट एंड साइनिंग आउट।